आफ्टर ट्वेल्थ आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री या अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए एक स्टूडेंट के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिर भी प्लेन बीकॉम करने का ऑप्शन चूज़ करते हैं। मे बी उनको पता नहीं होता है कि ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी है जिसमें वो अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री को कम्प्लीट कर सकते हैं, अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ कम्प्लीट कर सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइज, इन प्रोफेशनल कोर्सेज में आपकी डिग्री कम्प्लीट करने के बाद आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, डिसेंट लेवल का पैकेज भी मिल जाता है। आप एक स्किल्ड पर्सन बन जाते हो, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज चूज करते हो, जैसे कि आपका BBA हो जाता है, BMS, BBM, BCA। यस गाइज, ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, बट आप इसको एक प्लेन BCom डिग्री से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे कोर्सेज करने के बाद आपके लिए एन नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है। आप काफ़ी सारे डोमेन्स में अपना करियर बना सकते हो, आप काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में अपना करियर बना सकते हो। एंड ये सारे कोर्सेज आपको हेल्प करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज जैसे प्रिंसिपल्स को इन डिटेल समझने के लिए। इसके अलावा इन सारे कोर्सेज का जो करिकुलम होता है वो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड से मैच करता है। दैट मीन्स आप एक लेटेस्ट अपडेटेड करिकुलम पढ़ते हो। एंड यस, ये सारे बेनिफिट्स आपको एक बेटर करियर लाइफ की तरफ ले जाता है विद अ ग्रेट पैकेज। सो यस गाइज, वेलकम टू मिन्यूर एजुकेशन। एंड टुडे इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट दी एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप ये सारे कोर्सेज टारगेट कर सकते हो इन स्टेट लेवल कॉलेजेस, इन महाराष्ट्र स्टेट लेवल कॉलेजेस, कोर्सेज लाइक BCA, BBA, BMS, BBM। इनके लिए क्या टेंटेटिव डेट्स रहने वाली है इस एग्जाम के लिए, एंड इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्किंग सिस्टम क्या रहने वाली है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाला है। सो यस, स्टार्टिंग विद द एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी जो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए, अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम अपियर करना चाहते हो 2025 में, इज दैट यू शुड हैव पास 10+2 विच इज अर SSC एग्जाम, HSC एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। एंड जितने भी कैंडिडेट्स अपियरिंग है ट्वेल्थ के लिए, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपियर फॉर द CET एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, इसके एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या रहने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेंटेटिव डेट्स है, दीज डेट्स आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2024 डेट्स फॉर योर महाराष्ट्र बैचलर्स इन BCA, BBA, BMS, BBM, CET एक्सेट्रा। फॉर्म फिलिंग जो डेट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। फॉर्म फिलिंग की एंड डेट गाइज एक्सटेंशन के बाद तक की डेट है, विच इज सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फोर्थ वीक ऑफ मे। एंड एग्जाम डेट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन फोर्थ वीक ऑफ मे। रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फोर्थ वीक ऑफ जून। एंड आपकी जो काउंसिलिंग प्रोसेस है, विच मीन्स जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आप कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करोगे, कैप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, दैट प्रोसेस विल स्टार्ट एंड इन लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2025। गाइज, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग प्रोसेस तक हम सारे वीडियोस इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेके इस यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस वन थिंग राइट नाउ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो एंड यू सीरियसली वॉन्ट टू परस्यू दीज प्रोफेशनल कोर्सेज एंड आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेट मी टेल यू द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग। एंड ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं है, बहुत लिमिटेड टॉप कॉलेजेस है जिसके लिए कॉम्पिटिशन भी रहता है एंड इनकी सीट्स भी लिमिटेड रहती है। यहाँ पे आप टाइमलाइन देख सकते हो। अब चल रहा है गाइज नवंबर, हार्डली आपके पास फ्यू मंथ्स बचे हैं, अराउंड 5 मंथ्स आपके पास है इसके प्रिपरेशन के लिए। फिर भी आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है ताकि अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो फॉर ऑल दी 12th स्टैंडर्ड एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट 12th में है। आपके बोर्ड्स के साथ आप अगर चाह रहे हो कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको और तगड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है एंड उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। हमारे YouTube चैनल पे गाइज हमने कंप्लीट टाइम टेबल दिए हुए हैं एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है सेक्शन वाइज सारा कंटेंट आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी 11th क्लास में हैं एंड दे वांट टू अपियर फॉर दीज एंट्रेंस एग्जाम, आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, आपके पास टाइम है, विच मीन्स आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, अपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास रिविजन के लिए भी उतना टाइम बचेगा, आपको मॉक टेस्ट के लिए भी उतना टाइम मिलेगा, विच मीन्स आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दैट आपके पास कितने बेनिफिट्स हैं, आपके प्रोज एंड कॉन्स फिलहाल क्या है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है।
इसको लेके और समझते हैं। सबसे पहले जान लो अपने पेपर पैटर्न के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्किंग स्कीम। टॉपिक्स जो आपको इसमें पढ़ने हैं दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड कंप्यूटर बेसिक्स। यू कैन सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंग्लिश 40, रीजनिंग 30, जीके 15 एंड कंप्यूटर बेसिक्स 15। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द डोमिनेटिंग सेक्शन, विच मीन्स आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज एक स्कोरिंग सेक्शन भी होता है, इवन कंप्यूटर बेसिक्स इज अ स्कोरिंग सेक्शन। जीके वास्ट होता है गाइस, मेक श्योर दैट आप जीके डे वन से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जीके रिलेटेड वीडियोज भी चैनल पे पोस्टेड है। दीज आर द मार्क्स पर क्वेश्चन एंड टोटल जो आपका पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का होने वाला है। एंड अगेन डोमिनेटिंग एरिया आपका इंग्लिश है, मैक्सिमम मार्क्स आपको यहीं पे दिए गए हैं, सो आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। इनफैक्ट सारे सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर करना है, आप किसी भी सेक्शन को मिस आउट नहीं कर सकते। याद रखो गाइस, सीटी जो है आपका स्पीड बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो जितना हो सके उतना मॉक अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो सो दैट आप सीटी की स्पीड एंड एक्यूरेसी को मैच कर सको। आपको यहाँ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। प्लस पॉइंट ये है गाइस कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि ऑनलाइन होगा। सो आई होप ये बेसिक डिटेल्स क्लियर है। नाउ लेट्स सी कि आपको इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन यू ऑल सिंपली हैव टू विजिट द मेन्यूवर एजुकेशन वेबसाइट विच इज manuvaredu.com। बाय ऑनलाइन पे आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो बीबीए एंट्रेंस। सिंपली स्क्रॉल डाउन, शो पैकेजेस एंड हियर यू ऑल कैन सी महाराष्ट्र बीसीए बीबीए बीएमएस बीएमएम सीईटी। दिस इज द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। सिंपली क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स एंड हियर यू ऑल कैन सी द नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स यू ऑल आर गेटिंग एंड हैंडआउट्स फॉर प्रैक्टिस पर्पस। कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो द नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स जो आपको देखने हैं एंड कौन से टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस पर्टिकुलर पैकेज इज डिजाइन बाय एक्सपर्ट हु हैव सीटी एग्जाम राइटिंग एक्सपीरियंस। अब प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस के वीडियोज भी आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सो मेक श्योर दैट आप ये सारे वीडियो लेक्चर्स देख के कंप्लीट करो ऑन टाइम एंड देन वंस यू आर डन विद द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जहाँ पे आप सारे अपने वीडियो लेक्चर्स देख लेते हो, अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो सो दैट आपके जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं आपको पता हो, आप उसको लेके वेल वर्स्ड हो एंड आपके स्कोर वहाँ पे बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मेक श्योर दैट आप बुक्स भी ले लो सो दैट बुक्स के थ्रू अपन भी प्रिपरेशन कर सको। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रहेगी सीटी लेवल के हिसाब से। सो यस, इन सारे प्रोग्राम्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट कर लेना एंड डोंट टेक इट लाइटली क्योंकि कॉम्पिटिशन इसका काफ़ी टफ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेक श्योर टू वॉच दीज वीडियोज एज वेल। एज आई सेड अर्लियर, ये पास्ट पेपर एनालिसिस, ये 2024 के पेपर एनालिसिस के वीडियोज़ है जहाँ पे हमने लाइव पेपर एनालिसिस की है। यू ऑल कैन चेक आउट द सेक्शन वाइज पेपर एनालिसिस एज वेल फॉर इंग्लिश, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस मुंबई में आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो थ्रू MHCET, अगर आप BMS के प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो, या फिर अगर आप पुणे बेस्ड हो आपको BCA करना है तो आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। इन सारे वीडियोज़ के जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर मुंबई बेस्ड पुणे बेस्ड गाइज, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर आर क्लासरूम कोचिंग। यू ऑल कैन चेकआउट आर सेंटर्स एट वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरिवली, पुणे। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड टेक ऑल द डिटेल्स। अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो तो मेक श्योर टू टेक द एक्सेस ऑफ द लाइव क्लास। यू कैन सिंपली कॉल ऑन डबल, मेक श्योर टू जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास। यू कैन सिंपली कॉल ऑन 8285814555 एंड टेक द एक्सेस ऑफ वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल कोर्स बुक्स एक्सेट्रा एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel and until then I will see you in the next upcoming video.